से सीखूं, घर का कपड़ा बाकी दूसरे लोगों से नहीं सिखाती, अब थोड़ा सिलवाने लगी हूँ क्योंकि मुझे फुर्सत नहीं मिल पाता, वरना मैं खुद ही सिलती हूँ, खुद ही केक बनाती हूँ, चाहे घर में कितने भी बर्थडे हो। इवन इधर भी मैं करीब 3-4 पाउंड का केक मैं अपने नानी घर भेजी हूँ, मतलब लोग मिठाई लेकर जाते हैं तो मैंने सोचा कि चलो केक ही भेज देते हैं। तो यही था मेरा लाइव सेशन में आने का मतलब कि डोंट जज एनी वन बाय इट्स कवर। हो सकता है कि कल को वो आपसे अच्छा बन जाए, कल को हो सकता है, मैं नहीं कह रही कि मैं अच्छी बन गई हूँ, बट बता रही हूँ, हो सकता है कल को वो कुछ मुकाम हासिल कर ले कि आपके मुँह बंद हो जाए, हो सकता है कि जो आप उस पर उंगली उठा रहे हैं कल को वो आपके ही घर में उंगली उठ जाए, क्योंकि हम किसी को उंगली दिखाते हैं ऐसे दिखाते हैं ना, तो एक फिंगर हमारे तरफ भी होती है, एक फिंगर सामने होती है, तो हमेशा ये चीज़ याद रखना चाहिए। और सॉरी अगेन एंड अगेन सॉरी अगर मेरी बातें बुरी लग रही हो या कुछ भी, तो इसके लिए हाथ जोड़ कर सॉरी, लेकिन जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। और केक के बारे में बताऊं तो केक मैं बनाती हूँ इससे, एक कप इससे प्रीमिक्स लेती हूँ 1 पाउंड के लिए, और भैया चम्मच और भट्टा चम्मच, और इससे मैं 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल लेती हूँ, और मैं लेती हूँ पानी जो कि चिल्ड वाटर लेती हूँ ताकि ये थोड़ा स्पॉन्जी हो। और मैं आपको बताना भूल गई, तेल कभी भी जैसे हम सब क्या करते हैं ना कि अगर बैटर बनाते हैं तो इससे ले लेते हैं प्रीमिक्स और तेल यूँ डाल देते हैं और पानी डाल के मिक्स कर देते हैं, तो हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, क्योंकि हमको ये ट्रिक बेकरी वाले भैया बताएं जो कि बहुत अच्छे हैं, आशा के हाउस है उनका बेकरी, वो रॉ मटेरियल भी देते हैं और उनका बेकरी भी है, काफ़ी अच्छा बेकरी है। इस बार कार्निवल वो करवा रहे हैं केक का, और हम इंतज़ार कर रहे हैं उस केक कार्निवल का, क्योंकि डिफरेंट टाइप का केक देखने को मिलेगा, डिफरेंट तरह की गार्निशिंग मिलेगी, शेफ लोग से मिलने का मौका मिलेगा, मतलब हम क्या कहें, बचपन से मेकअप का शौक था लेकिन कब ये मेरा केक बेकिंग पैशन हो गया पता ही नहीं चला। मेरे पास OTG नहीं है, अम्मी पापा पे बोझ नहीं डालना चाहते, सोच रहे हैं यूट्यूब जब मोनेटाइज होगा तब खरीद लेंगे OTG। तो हम बता रहे थे कि एक कप ये लेना है एंड देन पानी डालना है और मुझे उसे इस स्पैचुला से हमें मिलाना है, ठीक है। उसके बाद जब वो मिला जाए तो हमें लेना है बीटर जिससे कि हम क्रीम बीट करते हैं। वैसे मेरे पास 2 बीटर है, एक जब हम स्टार्टिंग पीरियड में सीखे थे तो मैंने सस्ती क्वालिटी वाली बीटर मंगाई थी, सायोना का 438 में मुझे पड़ा था, और मैं उस बीटर को यूज़ कर लॉन्ग टाइम तक केक सेल भी की, और उसके बाद जब मुझे लगा कि अब खरीदना चाहिए, थोड़ा एक्सपेंस करना चाहिए, तो मैंने हैवल्स का खरीदा 2800 में बीटर, उसके बाद में उससे तो 2 बीटर हो गए। एक से मैं क्रीम बीट करती हूँ जो कि हैवल्स का एक जो सस्ती क्वालिटी की थी उससे मैं करती हूँ ये बैटर को बीट कर लेती हूँ, तो पानी और प्रीमिक्स को बीट अच्छे से कर लेती हूँ, एंड देन लास्ट पे मैं 2 टेबल स्पून इससे मैं डाल देती हूँ तेल और फिर बीट करती हूँ, तो काफ़ी स्पॉन्जी होता है। मेरी मैम बताई थी क्या कि बस ऐसा बैटर डालो इस स्पैचुला से मिला लो, हम भी यही करते थे तो स्पॉन्जी नहीं हो पाता था पता नहीं क्यों, तो उसके बाद बेकरी वाले भैया ने बताया कि ऐसे करो तो हम वैसा ही करने लगे। तो एक जो भी बेकर होती है ना होम बेकर, हमको लगता है कि वो भी हम मेरे जैसे हैं, उनको मदद करना चाहिए, तो हम उनको बताते हैं यूट्यूब पे, जैसे कि एक आयशा नसीम किचन ब्लॉग है, हम उनको बताए थे कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, तो वो शायद मेरे बातों को गलत वे में ले ली, उसके लिए सॉरी, लेकिन हम चाहें थे कि चलो कोई नहीं, हमारे जैसे होम बेकर है, हो सकता है इनको नहीं पता होगा, क्योंकि हम मेरा दिमाग खुरे पाती है, हमको जो चीज़ नहीं पता होता ना हम सबसे पूछते रहते हैं बता नहीं ये 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 ये, हमको लगा चलो इनसे भी शेयर करना चाहिए, तो हम उनको शेयर किए थे। और आगे क्या कहूँ मैं, यहीं काफ़ी देर हो गया है, इडली नहीं बना है, मेरी बहन सब चिल्लाने लगेगी, और आगे कुछ नहीं कह सकती, बस बाय, लव यू ऑल। और एक बात, मेकअप से रिगार्डिंग अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अभी मेरा मेकअप नहीं किया हुआ है लेकिन मैं मेकअप भी अच्छा करती हूँ, मेकअप बचपन से शौक था लेकिन अब लकड़ा बेकिंग शौक हो गया है, तो आप मेकअप वाली शक्ल तो देखे हैं, ये रही बिना मेकअप वाली शक्ल, तो आप लोग को कुछ भी अगर क्वेश्चन हो प्रोडक्ट से रिलेटेड, फाउंडेशन रिलेटेड या फिर आई शेडो से रिलेटेड, लिपस्टिक से रिलेटेड, एनी अदर क्वेश्चन आप कर सकते हो, खैर कोई नहीं, बाय बाय, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग मी।